मेरा नाम डॉक्टर शकील अहमद ख़ान है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गांव में की, कटिहार डिस्ट्रिक्ट और अपने काबरकोटी गांव के में मैंने बचपन की पढ़ाई की, मिडिल तक, देन हाई स्कूल ज़िला स्कूल पूर्णिया, देन पटना यूनिवर्सिटी एंड देन ऑनवर्ड एमए एमफिल एंड पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से किया। वहीं मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा। कुछ दिनों के लिए मैंने दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी। उसके बाद कम्प्लीटली राजनीतिक और सामाजिक जीवन में चला गया और राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में जाने का मेरा फैसला शौरी फैसला था। इट वाज ए कॉन्शियस डिसीजन, क्योंकि हमको लगा कि पॉलिसी के लेवल पे, फिजिकल प्रेजेंस के लेवल पे, जो कुछ भी मैंने स्कूल में, कॉलेज में या समाज में सीखा है, जो कुछ भी मैं देखता हूँ, समझता हूँ, उसको मैं अपने लेवल पे कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो उस सपने ने मुझे वहाँ, आज यहाँ ला के खड़ा किया और मैं अब रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जो कि कम्प्लीटली रूरल एरिया का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 36 पंचायत है हमारे यहाँ। फ्लड बहुत आता है वहाँ और लगभग 90% BPL कवरेज का इलाका है। सो वन कैन अंडरस्टैंड कि क्या वहाँ प्रॉब्लम है। जो दिक्कतें हैं उसको मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। लार्ज नंबर पे मैंने हॉस्पिटल और जो सड़कें हैं या और जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के स्कीम का हिस्सा है, उसको इम्प्लीमेंट कराने के प्रोसेस में लगता हूँ, नंबर वन। नंबर टू, मैं बहुत ही पैशनेटली ये फील करता हूँ कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो इसकी ब्यूटी है। सो ब्यूटी ऑफ इंडिया इज़ इट्स डाइवर्सिटी। और ये डाइवर्सिटी को कायम रहना, अक्षुण रखना, बना के रखना हम सब की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आप देखोगे तो ये हम मान्यताएँ वहाँ पर हर जगह मिलती हैं। भाषा, क्षेत्र, धर्म, हमारे मान्यताएँ, हमारे प्रतिष्ठान, हमारे मानने के तरीके, ये सब जुदा जुदा होने के बावजूद भी हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है जब इस धागे को कोई आघात पहुंचाता है, जब कोई इसके ऊपर हमला करता है, जब देश को में तकलीफ बढ़ती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, जैसे कि आज के दिन में आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर हो गई, देश का जो सदियों पुराना भाईचारा है वो भी कमज़ोर होता हुआ दिखता है, तो मुझे तकलीफ़ होती है। इसलिए चैलेंजेस ऑफ टुडे इज़ हाउ टू यूनाइट द पीपल ऑफ इंडिया, एस्पिरेशंस ऑफ इंडिया, एंड एट द सेम टाइम कैसे इकोनॉमिकली उनको एम्पावर्ड करके, सोशली उनको एम्पावर करके। तो हम लोग तो बिहार की पॉलिटिक्स में दो चीज़ों को हम लोग हमेशा मानते हैं कि सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ ए स्टेट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द जनरल मासेस। तो इन सब चीज़ों में मैं लगता रहा हूँ। अदर देन दिस, मेरा प्रयास ये रहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में और हेल्थ सेक्टर के इसमें अगर बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बनेगा तो जो पब्लिक सेक्टर में कम पूंजी में हमारा इलाज, हमारे एजुकेशन हो जाते थे, जैसे कि हम लोग JNU जैसे संस्था भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वो आहिस्ते आहिस्ते डिक्लाइनिंग पे है, तो उसको हम लोग कैसे ठीक करें। सो लॉट ऑफ थिंग विच कम्स इन आवर माइंड, उसके लिए हम लोग काम करते रहते हैं। तो पैशनेटली सोचता हूँ सोसाइटी के बारे में और उस पर ट्रांसफॉर्म कैसे आकर के, अल्टीमेटली गोल इज टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया। दिस इसने अच्छा एक प्रोविज़न दिया हम लोगों को फर्स्ट टाइम के, सारे जो निधि निर्धारण के लोग हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, जो जनता से चुन के आए हैं, विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, डाइवर्सिफाइड, जैसा कि मैंने कहा, विभिन्न डाइवर्सिटी में विश्वास रखने वाले देशी भारतीय लोग एक साथ यहाँ जुटे हैं, तो एक तो इंट्रैक्शन भी है और प्लस जो एस्पिरेशंस हैं, पोडियम से भी जो बातें हो रही हैं, तो इंट्रैक्टिव सेशन में हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, मिलते भी हैं और अल्टीमेटली पॉलिसी मेकिंग के प्रश्न को हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा फोरम है और आपके संस्था ने इतना मेहनत का काम किया, ये छोटा मोटा काम नहीं है। मैं देखता हूँ कि लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ़ फैकल्टी ऑफ MIT एंड एवरीबडी इज़ टुगेदर, कैसे इसको ठीक किया जा सके। सो आई थैंक फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम ऑन योर प्लेटफॉर्म, आई थैंक एवरीबडी।
पॉलिटिक्स तो जिसके अंदर में हुक होता है ना जनता के दर्द का, वही बन सकता है। वो आप एक्सटर्नली मेहनत करके थोड़ा सा उसको बता सकते हो कि व्हेन यू बिकम एमएलए या फिर गवर्नेंस के इश्यूज को आप थोड़ा समझा सकते हो, लेकिन वो तो जनता के सवालों से जो प्रेरित होते हैं, जो प्रेरणा लेते हैं, वो खुद ही बन सकते हैं। उसमें आपके इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर। मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के फोरम में आदमी थोड़ा सा उसका पॉलिशिंग हो जाता है और थोड़े नॉलेज बेस बढ़ते हो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट आई बिलीव। बट एट द सेम टाइम जनता के बीच में ज़्यादा सीखता इंसान। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे हमारे यहाँ महानंदा में नेपाल से पानी जब छूटता है बड़े पैमाने, तो ये जो जुलाई टू अगस्त और सितंबर, दीज आर दी पीरियड जहाँ पानी बहुत आता है और फिर गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। फिर उनके रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम होता है, उनके रिलोकेशन का प्रोग्राम चलता रहता है, फिर गरीबी इतनी ज़्यादा है कि उनको हम कुछ दे सकें, ये हमारे चैलेंजेस होते हैं। बट एट द सेम टाइम सरकारी स्कूल, सरकारी संस्थाएं अच्छे से चलती रहें। इन फ्लड के इलाके में ज़माने में ऐसे थोड़ा कम हो जाता है। एंड एक चैलेंजेस तो परमानेंट बना हुआ है, देश में बना हुआ है, कि हमको लगता है कि ये जो सोशल जस्टिस और सोशल यूनिटी वाला सवाल है, ये तो ऑल द टाइम चैलेंजेस है, जिसको जो कि संविधान का मूल मंत्र भी है, उसको हम लोगों को ऑल द टाइम वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का मैं प्रयास करता रहता हूँ। मैंने तो पहला चुनाव स्टूडेंट्स यूनियन का लड़ा है। मैं छात्र संघ का, अपने स्कूल का, वहाँ काउंसलर बोलते हैं, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट, तो वो भी चैलेंजिंग था। जेएनयू आपको पता है बहुत ही इस काइंड ऑफ डिबेटिंग कैंपस, हर इशू पे वहाँ डिबेट होते हैं और उससे आप लॉजिकल बनते हैं, उससे यू बिकम यू इनफैक्ट अंडरस्टैंड दी नेशनल इंटरनेशनल इशूज, लोकल इशूज़। तो वो चैलेंजिंग भी था, इंटरेस्टिंग भी था। उसके बाद फिर मैं चुनाव लड़ा भी, लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो हार गया, विधानसभा का चुनाव वो जीत गया, तो ये सब चलते रहते हैं। बट चैलेंजिंग जो भी पॉलिटिक्स में है, उसके लिए एक पूरे ट्रांसफॉर्म करके जनता को कैसे हम उनका हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़ाएँ, दैट इज़ द चैलेंज। जिनके पास मैं बैठा हूँ, नेल्सन मंडेला खान, अब्दुल गफ्फार खान, गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, देयर आर मेनी हीरोज, मेनी फील्ड। मैं चूँकि लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, पीएचडी हमारी उर्दू लिटरेचर में है, तो फ्रॉम एवरी फील्ड मेरे मस्तिष्क में उनके विचार नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं। फिल्म लाइन में भी बहुत, आई लाइक दिलीप कुमार एंड राज कपूर, सो आई मीन देर आर मैनी फिगर्स इन माई लाइफ फ्राम ऑल द फील्ड्स हु ऑल आर माई हीरोज़ एंड दे इंस्पायर मी, दे गिव मी लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। मैं उनके स्टडी करता हूँ, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ता हूँ। एकदम सीधा प्यार का विचारधारा, प्यार बांटते चलो, और लोगों के जैसा मैंने कहा हैप्पीनेस का इंडेक्स, हैप्पीनेस का इंडेक्स तभी बढ़ेगा जब हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती है, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है कि हम लोगों को काम कैसे देते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलप कैसे करते हैं, प्लस सोशल जस्टिस कैसा करते हैं, प्लस कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई झगड़ा को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात तो भारत में जो युवा का कॉन्सेप्ट है, मैं हमेशा समझता हूँ कि 25-30 साल की उम्र काफ़ी हो जाती है, और अगर हमारे यहाँ देखोगे तो देर आर मेनी एग्जांपल्स जिन्होंने अपने कम एकदम शुरुआत के बडिंग यूथ में बहुत काम किया है और बहुत कुछ कर सकते हैं। भगत सिंह इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। आपका सचिन 16 साल की उम्र बन गया था, राज कपूर ने 18 साल की उम्र में फिल्में बनाई, देर आर मेनी एग्जांपल। हमारे जिन्होंने जनगणमन नायक अधिनायक जय हो लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर यंग एज में पोएट थे। सो
यंग एज और ओल्ड एज का सवाल नहीं है, यंग एज में बहुत सारे काम हो सकते हैं और होते हैं, तो ये एज गैप का कोई सवाल नहीं है। जब आपका माइंड मैच्योर हो जाता है तो आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज लव टू सी माई यंगर जनरेशन टू कम अप एंड वर्क फॉर द पीपल, एट द सेम टाइम द ओल्डर जनरेशन एंड द लीडरशिप शुड ट्राई टू गिव देम द लीडरशिप, नहीं ये कि बैठे रह जाते हैं।